सर, किस तरह से गर्मी में ख्याल रखा जा रहा है वन्य जीवों का और क्या क्या इनकी डाइट में शामिल किया गया है? तो इनका जो ओपन एनक्लोजर है जहाँ पर विजिटर एरिया होता है रोज, पहले हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी एनक्लोजर डिजाइन की, जैसे कि एनिमल जो है हाइड आउट होकर बैठ जाता था पीछे की तरफ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया ये फाउंटेन सिस्टम लगाने का यहाँ पर, जैसे पेड़ के नीचे की तरफ छाया के अंदर और ऊपर से बारिश का हल्का हल्का छिड़काव होता रहता है, तो उससे उनको काफ़ी ठंडक मिल जाती है। दूसरा, डाइट में हम लोगों ने थोड़ा बदलाव किया है, तो गर्मियों के अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग इन्होंने देना शुरू कर दिया है इनको। 7 दिन में 2 बार हम लोग इनको इलेक्ट्रोलाइट पानी के अंदर मिला के देते हैं। और एनिमल एनक्लोजर्स के अंदर जो हाउसिंग बनी हुई है जहाँ पर इनको फीडिंग की जाती है, उसमें भी हम लोगों ने कूलर का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा गर्मी होती है तो एनिमल अपने आप से वहाँ जाके बैठते हैं। जो जू के जो एनिमल्स होते हैं उनको जू की जो दैनिक दिनचर्या होती है वो उसके प्रति ढल जाते हैं, तो उनको पता होता है किस टाइम पे फीडिंग मिलना होता है, किस जगह पर उनको कूलर का मिलेगा, किस जगह पर उनको ठंडक मिलेगी, ये पूरा उनको पता होता मई जून में आगे और गर्मी आने वाली है, तो उसको लेके और भी कुछ डाइट में भी परिवर्तन किया गया है? है। हाँ, डाइट में किसी तरह का कोई खास परिवर्तन नहीं है, डाइट में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट ही शामिल किया है इसका। और अगर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट और ज़्यादा होता है तो हम लोग एनक्लोजर्स के अंदर ही 2 या 3 और फाउंटेन हम लोग लगा सकते हैं। इनकी सेहत को लेके किस तरह से खास कोई दवाई वगैरह? हम लोग जो है मीट को हल्के ल्यूक वार्म पानी के अंदर 10 मिनट डिप करके उसके बाद देते हैं, ताकि मीट की सरफेस पे लगा हुआ जितना बैक्टीरिया है, जो स्लाटर हाउस से लेकर और जो फूड स्टोर तक जो भी इसका ट्रांसपोर्ट होता है, उस टाइम पे अगर किसी तरह का बैक्टीरियल एक्सपोजर हुआ है मीट को तो वो उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरी तरह से। और 3 महीने में एक बार डिवर्मिंग की दवाई दी जाती है इनको, ताकि वर्म लोड पूरी तरह से बॉडी के अंदर से ख़त्म हो जाए। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, वन्यजीव चिकित्सक, माचे जैविक उद्यान। कितने वन्य जीव है, कौन कौन से वन्य जीव यहाँ पे पार्क में है? पार्क में लॉइन है, टाइगर है, पैंथर है, भेड़िया है, लॉम्बिया है, स्लोथ बियर और हिमालयन बियर है, चिंकारे हैं, ब्लैक बक है। लगभग लगभग जो अपने पश्चिमी राजस्थान में जो पाए जाते हैं वो सभी लगभग सभी जानवर यहाँ पे हैं। अब गर्मी का सीजन आ गया है सर, तो किस तरह से इनका ख्याल रखा जा रहा है अलग फाउंटेन केजों में जो विजिटर साइड है, जहाँ से विजिटर देखते हैं उस साइड में पेड़ों पर हमने काउंटर की व्यवस्था की है, और जहाँ पे इनके फीडिंग वाला एरिया है वहाँ पे हमने कूलर की व्यवस्था कर दी है कंप्लीट पूरे माचिया में। इसके अलावा और कुछ खास? बाकी इनको पानी के साथ ORS वाला जो घोल है वो दे रहे हैं सप्ते में 2 बार, डॉक्टर्स डॉक्टर्स की निगरानी में रहते हैं। गर्मी को देखते हुए पर्यटकों के लिए किस तरह से व्यवस्था की गई है? सभी सभी जगह पानी के मशीनें वगैरह, ठंडे पानी की मशीनें लगाई हुई है, और इसके अलावा पानी की मटकियाँ भी माचिया में काफ़ी जगह हमने रखवाई है। और समय बाकी परिवर्तन भी कुछ किया गया सर इसके लिए? सुबह सुबह 8 बजे से शाम को 5:30 बजे तक एंट्री कर दी है और 6 बजे एग्जिट। आपका परिचय? करण सिंह राजपुरोहित, क्षेत्र वन अधिकारी, माचिया जैविक उद्यान।